सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क, जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। मरियम नवाज साहबा ने जो आग उगली है जजेस के खिलाफ वो आपके सामने है, लेकिन अवाम को उन्होंने बड़ी अजीब बात की। मरियम नवाज साहबा ने पहली मरतबा एतराफ कर लिया कि इमरान खान को अवाम लेकर आना चाहते हैं तो अवाम समझे कि वो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है तो हम अच्छे हैं। लुबे लुबा बता रहा हूं, जुमले थोड़े मुख्तलिफ थे। यानी उन्होंने कहा पाकिस्तान की अवाम को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा अवाम जिनको लाना चाहते हैं ना वो ठीक नहीं है लोग। यानी इसका मतलब है वो एतराफ कर रही है कि अवाम मरियम नवाज को, बिलावल को, जरदारी को, नवाज शरीफ को और बाकी जमातों को नहीं लाना चाहते, अवाम इमरान खान को लाना चाहते हैं। ये उन्होंने एतराफ कर लिया अपने मुंह से। जब भी ये लिखे बगैर बोलते हैं ना तो ये ऐसे ही फंसते हैं, क्योंकि ये बाप बेटी को लिख के ही बोलना चाहिए। पता नहीं इनका दिमाग सियासी तौर पर काम ही नहीं करता, सामने लोगों को बैठे हुए देख के ये अजीब तरीके से हो जाते हैं। बहरहाल उन्होंने खुद ये कह दिया अपने मुंह से, एतराफ कर लिया कि पब्लिक हमें वोट नहीं डालना चाहती ना हमारी शक्ल देखनी चाहती है। उसके बाद जजेस के ऊपर एलिगेशन भी लगाए, उनको धमकियां भी दी।